What's up guys, Sanjot Kir here, welcome to YFL. Street style peri peri panini बना रहा हूँ आज. अभी panini कई तरीके के sandwiches को कहा जाता है, लेकिन मुंबई में एक स्पेसिफिक ब्रेड के अंदर बहुत सारी फिलिंग्स करके पनीनी बनाई जाती है और फिर उसको ग्रिल करके सर्व किया जाता है. इस वीडियो में मैं आज आपको रेड गार्लिक चटनी कैसे बनाते हैं और वो सैंडविच वाली, मुंबई सैंडविच वाली ग्रीन चटनी कैसे बनाते हैं, तीखी वाली, और साथ ही में होममेड पेरी पेरी मसाला कैसे बनाते हैं, ये सारी रेसिपीज आपको बता रहा हूँ. और फिर उसके बाद बिना ग्रिल मशीन यूज़ किए पनीनी को ग्रिल पैन के ऊपर एकदम परफेक्टली कैसे ग्रिल किया जाता है वो भी आपको बताऊंगा. बहुत ही ब्यूटीफुल और डिलिशियस स्ट्रीट स्टाइल रेसिपी है ये. सबसे पहले सैंडविच के लिए रेड गार्लिक चटनी कैसे बनाते हैं वो देख लेते हैं. तो ये मैंने 10 से 12 कश्मीरी लाल मिर्च को डिसीड करके गर्म पानी में आधे घंटे के लिए सोक कर लिया था. अब इसे मैं एक मिक्सर ग्राइंडर में ऐड कर रहा हूँ. साथ ही में 2 से 3 हरी मिर्च तीखेपन के लिए, 7 से 8 लहसुन की कलियाँ, 1 टीस्पून जीरा पाउडर, 1 टीस्पून काला नमक, टेस्ट के हिसाब से सॉल्ट और थोड़ा सा पानी ग्राइंड करने के लिए. ये सारी चीज़ें ऐड करके आपको मिक्सर ग्राइंडर में एक फाइन पेस्ट बना लेनी है. अब आप देख सकते हो एकदम फाइन चटनी मैंने पीस ली है. ऐसा ही टेक्सचर आपको चाहिए और ये हमारी रेड गार्लिक चटनी रेडी हो गई है. अब होममेड पेरी पेरी पाउडर बना लेते हैं. 2 टेबलस्पून कश्मीरी रेड चिली पाउडर, 1/2 टीस्पून ब्लैक सॉल्ट, 1 टीस्पून पीसी हुई शक्कर, 1/2 टीस्पून अदरक का पाउडर यानी सौंठ, 1 टीस्पून गार्लिक पाउडर, 1 टीस्पून ऑरिगैनो, 1/4 टीस्पून सिनेमन पाउडर यानी दालचीनी का पाउडर और 1/2 टीस्पून नमक. ये सारी चीज़ें एक बर्नी में ऐड करके अच्छे से मिक्स कर लीजिए. आप चाहें तो एक मिक्सर ग्राइंडर में इन मसालों को साथ में पीस भी सकते हैं. वो मसाले एकदम अच्छे से मिल चुके हैं और ये आप देख सकते हो हमारा होममेड पेरी पेरी मसाला रेडी हो गया. अब मुंबई सैंडविच वाली ग्रीन चटनी बना लेते हैं. 1 कप ताज़ा धनिया, 6 से 7 कड़ी पत्ता, 7 से 8 तीखी वाली हरी मिर्च, 5 से 6 लहसुन की कलियाँ, 1/2 इंच जिंजर, 2 टेबलस्पून भुनी हुई चना दाल, टेस्ट के हिसाब से नमक, 1 चुटकी भर सैंडविच मसाला या चाट मसाला, 1 चुटकी भर जीरा पाउडर. अब यहाँ पर कुछ बर्फ के क्यूब्स ले रहा हूँ कलर रिटेन करने के लिए, थोड़ा सा पानी बस चटनी को इजीली ग्राइंड करने के लिए. अब सारी चीज़ों को एक साथ अच्छे से मिक्सर ग्राइंडर में पीस लीजिए. तो आप देख सकते हो इसी टेक्सचर में आपको चटनी को ग्राइंड करना है. एकदम ब्राइट ग्रीन कलर आया है और ये हमारी मुंबई स्टाइल सैंडविच चटनी रेडी हो गई है. हमारे सैंडविच बनाने के लिए 3 जो मेजर कॉम्पोनेंट्स हमारे रेडी हो गए हैं, जो रेड गार्लिक चटनी है, मुंबई स्टाइल स्पाइसी वाली ग्रीन चटनी है और होममेड पेरी पेरी मसाला है. अब ये तीनों चीज़ें आप कई सारे अलग सैंडविचेस में, रैप्स में, हॉट डॉग्स में, सभी जगहों पर आप यूज़ कर सकते हो. ज़रूरी नहीं है खाली यही रेसिपी के लिए बनानी है, सारी तीनों चीज़ें बहुत अच्छी बनती है. जो रेड चटनी है और साथ ही में पेरी पेरी मसाला है वो हम फिलिंग बनाने के लिए यूज़ करेंगे अभी नेक्स्ट स्टेप में, जिसमें पनीर के साथ कुछ वेजिटेबल्स और ये सारी चीज़ें मिक्स करके एक फिलिंग बनाएंगे. फिर पनीनी को हमें असेंबल करना है और ग्रिल करना है. तो ये वाला जो सारा प्रोसेस है वो कैसा होता है वो देख लेते हैं. तो फिलिंग बनाने के लिए एक बोल में 100 ग्राम डाइस किया हुआ पनीर, 1/3 कप चॉप की हुई कैप्सिकम, 1/3 कप चॉप किया हुआ प्याज, 1/3 कप चॉप किया हुआ कैबेज, 1/3 कप बॉईल किया हुआ स्वीट कॉर्न, 2 से 3 चॉप की हुई हरी मिर्च, 2 टेबलस्पून जो हमने होममेड पेरी पेरी मसाला बनाया था वो ऐड किया है, साथ ही में 3 टेबलस्पून रेड गार्लिक चटनी जो बनाई थी वो ऐड कर दी है, 3 टेबलस्पून मेयोनेज, टेस्ट के हिसाब से सॉल्ट और 60-75 ग्राम्स प्रोसेस्ड चीज़ यहाँ पर मैं ग्रेट करके ऐड कर रहा हूँ. ये सारी चीज़ों को बोल में ऐड करने के बाद आपको लाइट हाथों से अच्छे से मिक्स कर लेना है. ध्यान दीजिए कि पनीर के जो पीसेज हैं वो टूट नहीं जाएं, हल्के हाथों से अच्छे से मिक्सचर को मिक्स कर लीजिए. तो आप देख सकते हो मिक्सचर अच्छे से मिल चुका है और ये हमारी पेरी पेरी पनीनी की जो फिलिंग है वो रेडी हो गई है. तो अभी पनीनी को असेंबल करने के लिए यहाँ पर मैं पनीनी ब्रेड का इस्तेमाल कर रहा हूँ, जो मुंबई स्ट्रीट स्टाइल पनीनी बनाने के लिए यूज़ की जाती है. आप बेसिक सैंडविच ब्रेड का भी यूज़ कर सकते हैं. अब इस ब्रेड को आपको 2 हिस्सों में काट लेना है बीच में से, तो स्लाइस करके 2 हिस्सों में ब्रेड को काट लीजिए. अब ब्रेड के ऊपर हमें मक्खन लगाना है. अब दोनों ब्रेड स्लाइसेस पे सॉफ्ट बटर अच्छे से आप लगा लीजिए. बटर लगाने के बाद एक स्लाइस के ऊपर ग्रीन चटनी, जो हमारी मुंबई स्टाइल सैंडविच चटनी है, वो आपको अप्लाई करनी है और दूसरी ब्रेड के ऊपर हमने जो रेड गार्लिक चटनी बनाई थी वो मैं इसके ऊपर अप्लाई कर रहा हूँ.
अब जो पेरी पेरी पनीर फिलिंग हमने बनाई थी वो मैं सैंडविच के ऊपर लगा रहा हूँ। एक अच्छा सफिशियंट अमाउंट ऑफ फिलिंग आप लगा दीजिए सैंडविच के ऊपर और इवनली स्प्रेड कर दीजिए। अब ब्रेड का दूसरा हिस्सा ऊपर रख के एक सैंडविच तैयार कर लीजिए और अब हमारा जो सैंडविच है वो ग्रिल करने के लिए रेडी है। अब ग्रिल करने से पहले ऊपर वाले हिस्से पे फिर से बटर लगा दीजिए जिससे हमारी ब्रेड जो है बहुत अच्छे से टोस्ट हो जाएगी। पनीनी को ग्रिल करने के लिए मैं ग्रिल पैन का यूज़ कर रहा हूँ, आप नॉर्मल तवे का भी यूज़ कर सकते हो, सेम रिजल्ट्स आएंगे, सिर्फ ग्रिल मार्क्स नहीं आएंगे। अब ग्रिल पैन को आपको बहुत अच्छे से गर्म करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है अच्छे से पनीनी को ग्रिल करने के लिए। अब बटर वाला जो साइड है, जो टॉप हिस्सा है पनीनी का, वो नीचे रख के आपको इसके ऊपर प्रेशर अप्लाई करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कोई भी स्पैचुला ले लीजिए और इसको कम से कम 1 से 1.5 मिनट तक आपको ऐसे ही प्रेस्ड रखना है। इससे क्या होगा, आपकी जो पनीनी है वो अच्छे से शेप ले लेगी और नीचे उसके जो ग्रिल मार्क्स हैं और जो टेक्सचर है ब्रेड का आपका, वो काफ़ी बाहर से क्रंची और क्रिस्पी हो जाएगा। उसके बाद आपको इसे पलटा देना है, पलटा कर आपको फिर से इसको ग्रिल करना है। थोड़ा सा प्रेशर अप्लाई कर सकते हैं या ऐसे ही अभी ग्रिल होने दे सकते हैं, बस 1 से 1.5 मिनट के लिए, या जब तक कि नीचे से भी ब्रेड अच्छे से आपकी ग्रिल नहीं हो जाए और आपकी पनीनी अच्छे से गर्म नहीं हो जाए, तब तक आपको पनीनी को तवे के ऊपर पकाना है। तो पनीनी को मैंने अभी अच्छे से पका लिया है, ग्रिल कर लिया है और ये हमारी पनीनी जो है रेडी हो गई है सर्व करने के लिए। हमारी पनीनी रेडी हो गई है, अब इसे प्लेट कर लेते हैं वाइफल स्टाइल। हमारी स्ट्रीट स्टाइल पेरी पेरी पनीनी एकदम ही डिलीशियस बनी है, बहुत ही सिंपल रेसिपी है, घर पर बच्चों को बड़ों को सबको पसंद आएगी। और मुंबई स्ट्रीट स्टाइल जो पनीनी होती है, काफ़ी सारी स्ट्रीट वेंडर्स इसे बेचते हैं और बहुत सारे फिलिंग्स के साथ बनती है, तो आप इसकी जो पेरी पेरी फिलिंग है उसको बहुत अलग अलग तरीक़ों से बना सकते हो, सेशवान, मैक्सिकन, पिज्ज़ा स्टाइल, इटालियन वगैरह वगैरह, बहुत सारे फिलिंग्स के साथ आप बना सकते हो और घर पे एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। अगर आपके पास पनीनी वाली ब्रेड नहीं है, नॉर्मल सैंडविच ब्रेड के साथ भी बना सकते हो, बहुत ही डिलिशियस फिर भी बनेगा ये वाला सैंडविच, तो ज़रूर ट्राई करो ये रेसिपी अपने घर पे। ग्रिल पैन के ऊपर बनाओ, अगर आपके पास ग्रिल मशीन है उसका इस्तेमाल करो, या दोनों ही नहीं है तो तवे के ऊपर बनाओ, और ज़रूर बना के मुझे कमेंट्स में बताओ आपको ये रेसिपी कैसी लगी। शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, हिट द लाइक बटन इफ यू लाइक दिस रेसिपी, फॉलो एंड सब्सक्राइब टू YFL इफ यू हैवंट येट। हैव एन अमेजिंग टाइम विद दिस ब्यूटीफुल स्ट्रीट स्टाइल पेरी पेरी पनीर रेसिपी एट योर होम। चीयर्स।